अपने गोल को बड़ा देखिए। बार बार मैं आपको एक बात कहता हूँ, 500 रुपए के लिए मैं सारे लड़ी और लड़े जा रहे हैं, मेरा अधिकार है कैसे इसे 500 रुपए ज्यादा ले लीजिए। समस्या को बड़ी करना नहीं है, आपको गोल को बड़ा करना है। अवर गोल इज नॉट टू फाइट विद द स्ट्रेंथ ऑफ द आइस, अवर गोल वॉज टू रीच वाइटर। अपने गोल को बड़ा देखिए। बार बार मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपका गोल समस्याएं हैं कि सिलेक्शन है? कहीं आप समस्याओं को बड़ा तो नहीं कर लेते हो? मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मैं आपको समस्याओं को बड़ी करना नहीं है, आपको गोल को बड़ा करना है। गोल को बड़ा करोगे तो बड़ा गोल दिखे। समस्या बड़ी दिखती है तुम्हें कि गोल बड़ा दिखता है? कभी कभी समस्याएं भी दिखती हैं तुम्हें, समस्या दिखती है कभी कभी। अच्छा मैं साले से लड़ ली 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए मैं साले लड़ ली और लड़े जा रहे हैं, मेरा अधिकार है कैसे इसने 500 रुपए ज्यादा ले लिए। अबे तेरी लड़ाई से तेरा सिलेक्शन दूर हो जाएगा यार। अरे ये सुन लो यार, मैं कह रहा हूं तुम्हें समस्याएं बड़ी दिखती है कि गोल दिखना चाहिए। एक केस स्टडी हो सकता है, मैंने पहले भी बोली फिर मैं रिपीट करता हूं उसको। मुझे मेरे लिए लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, मेरे को कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। छोटी मोटी समस्या आ सकती है ना, कभी किसी नेता ने कोई बात बोल दी, कभी कुछ हो गया, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, बहुत सारी समस्या आती है हमारे पास। कोई संस्थान चलाना इतनी आसान बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, पता लगा किसी को हजारों की फंडिंग हो गई, वो कुछ भी करे जा रहा है, उसने अपने 1000 रुपए के आदमी को 5 रुपए दे दिए, हमारे साथ बहुत छोटी छोटी समस्या है, पर अल्टीमेटली उससे मैं अपने गोल से भटक नहीं सकता। अरे यस और नो, मैं छोटी जी आपको बात बताऊं, मेरे को वो केस स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी, और सुन रखी तो अच्छी बात नहीं, सुनी तो बताता हूं मैं आपको, काम की बात है। 1800 के आसपास, 1830 1840 के आसपास ना, एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू गो टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जानते हो? नॉर्थ पोल पे वहां तक अब तक कोई जा नहीं पाया था, तो वहां पे क्या आइस बहुत थी। क्या बहुत थी? आइस बहुत थी। तो वहां जैसे शिप मेकर जाते थे तो जो उनका वो होता था ना ऐसे, ये शेप होती थी शिप की, ऐसे शिप की ऐसे शेप होती नहीं होती। अब वो जैसे वहां पे पहुंचते थे आइस में घुसते थे तो आइस से प्रेशर लगा दी, खतरनाक, और प्रेशर इतना प्रेशर हो जाता था कि वो हल ब्रेक हो जाता था, मतलब शिप आके जाना संभव, मतलब कितने ही शिप वहां पे टूट के बर्बाद हो गए क्योंकि आइस का प्रेशर बहुत। क्या आइस जब जमती है तो एक्सपेंड कर जाती है, मान लीजिए शिप चल रहा है तो ठीक है, जैसे वो आइस में थोड़ा सा फंसा, आइस मेल्ट, आइस जमना एक्सपेंड करना चालू करी और उसको इतना प्रेशर लगाती थी कि टूट जाती। भाई साहब कितने ही शिप मेकर्स, कितने ही साइंटिस्ट ने इस बात में दिमाग लगाया कि हम इसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाए, जबरदस्त, कि आइस के प्रेशर को झेल पाए। ओ भाई साहब जितनी बार वो स्ट्रॉन्ग बनाते थोड़ा ज्यादा आगे जा पाते, पर जैसे ही आइस ज्यादा आती वो फिर भाई साहब बहुत ऐसे 20-30 साल निकल गए। फिर एक शिप मेकर आए जिन्होंने नाम था नेमसन करके, नाम शायद हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, शिप मेकर और साइंटिस्ट के मिक्सचर थे वो। उन्होंने पता कैसी शेप बनाई, ऐसी सिलेंड्रिकल कटोरा टाइप, जब आइस की प्रेशर आता था तो टूटता नहीं था, इट लिफ्ट अप। अरे यस और नो, तो जैसे आइस जमती थी ऊपर आ जाता था। अब आइस में तो फ्रिक्शन ज्यादा होता नहीं, 3-4 लोग नीचे उतरते थे उसको आगे धक्का दे देते थे, और जब तक धक्का देते थे जब तक वापस पानी नहीं आ जाए फिर आगे। That is how he resolved the problem. उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे सोचा? उन्होंने बोला कि मैं ना ये सोच रहा था कि गोल, लोगों ने गोल ये बना लिया था कि आइस की स्ट्रेंथ से हमें लड़ना है, हमारा एक गोल ही नहीं था, हमारा गोल तो नॉर्थ पोल जाना था। अरे यस और नो यार, अवर गोल इज नॉट टू फाइट विद द स्ट्रेंथ ऑफ द आइस, अवर गोल वॉज टू रीच, वाई शुड वी शिफ्ट अवर सेल्फ। ऐसे समाधान होते, मैं कह रहा हूं आपका गोल वो 500 रुपए में से लड़के अपने अधिकारों को मनाना है, हॉस्टल वाले से लड़ना है, या कोई बात अपनी मनवानी है घर पे, या आपका लक्ष्य है कि जेई लक्ष्य, फिर तो चेंज योर माइंडसेट ना। डू नॉट फाइट, ऐसी चीजों के लिए फाइट मत करिए जो आपका लक्ष्य है। आप इधर इधर वाली लड़ाई लड़ रहे हो, हाँ कोई सामने आके खड़ा हो गया तो लड़ना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बोलो यस और नो, अरे यस और नो यार, वो बात सच्चाई है, बट फालतू की लड़ाई पे हमने दिमाग खराब करने की जरूरत